हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के, शनिवार की रात से। और वैसे तो व्लॉग करने वाली नहीं थी मैं, पहले तो यही हो रहा था क्या बनाए खाने में, क्या बनाए। मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं बना रही, मेरा मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। तो फिर लास्ट में 9 बजे, 9 बज गए थे, सोचो आप 9 बज गए थे। मतलब मैंने फिर ये सोचा था मैक्रोनी बना लूँगी, बच्चे खा लेंगे, हम तो वैसे भी नहीं खाते, तो हम ओट्स वगैरह कुछ भी ले लेंगे। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ कि बच्चों को खाने हैं फ्राइड राइस। तो फिर पहले चावल चावल बनाए, जैसे पता ही है आपको, पहले भात बनाना पड़ता है फिर उसके बाद फ्राई किए। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ जब फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज और वो डाला है, क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च थोड़ा सा भून लिया, उसके बाद डाल दिया है, चावल डाल दिए हैं, सॉस से 2-3 सॉस डाल दिए हैं, वही सोया सॉस और टमाटो सॉस डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और अब ये बन गए हैं फ्राइड। और बड़े टेस्टी बने थे, जल्दीबाजी में बनाए लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मंडे की सुबह है, लगभग सारा काम हो ही रखा है क्योंकि संडे के दिन आपको पता ही है एक काम एक तरफ से फैलता है, दूसरी तरफ से एक तरफ से समेटते दूसरी तरफ से फैलता है, क्योंकि जब घर में रहते हैं तो नाश्ते में हमने आज ऐसे ही हल्का फुल्का पोहा वगैरह नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज करी थी, तो अभी मैंने कहा चलो बेडशीट बिछा देती हूँ। कपड़े धुल रहे हैं, कुछ धुल गए हैं, कुछ 3 बार मशीन लगी है आज, तो लास्ट के कपड़े धुल रहे हैं। लास्ट के मतलब लास्ट के इनके रहते हैं हॉस्पिटल के ना, तो वो ये बोलते हैं अलग ही धुला करो हॉस्पिटल के कपड़े, तो लास्ट में सिर्फ वो धुल रहे हैं हम, और कपड़े तो धुल ही गए हैं। मैंने कहा चलो बेडशीट बिछा देती हूँ। बच्चे सुबह से देख रहे थे टीवी, अभी उनसे टीवी बंद करवा रखा है क्योंकि बहुत देर हो गई थी उन्हें देखते हुए, तो मैंने कहा टीवी बंद कर लो, खेल लो जो खेलना है, फिर उसके बाद करेंगे पढ़ाई। मैंने कहा मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद आप लोग अंदर पढ़ाई कर लेना, तो बस इसलिए मैंने कहा ये बिछा देती हूँ, फिर मैं बाहर की सफाई करूँगी। सफाई तो हो रखी है, मतलब वही है सोफे कवर वगैरह, कपड़े फैले हुए थे, कपड़े थे कल के तह लगाने के लिए इसलिए थे क्योंकि सूखे नहीं थे, सुबह कपड़े धूप में डाले, हल्की गर्माहट थी, धूप थी मतलब हल्की फुल्की, तो फिर सूख गए थे, तो वो अभी अंदर ले आए हैं और कपड़े डाल दिए हैं। तो मैंने कहा फिर मैं कपड़े तह लगा लूँगी, कपड़े 2-4 ही थे, ज़्यादा नहीं थे, बस ये था कि धुले हैं, मतलब वो ये कि सूख गए हैं कपड़े ना, ऐसा नहीं रहा कि गीले रहे, तो जैसे परसों के कल सुखा दिए थे, कल के आज सुखा दिए हैं, आज के तो आज ही सूख जाएंगे खैर। और तो बस यहाँ पे बेडशीट लग गई है, पिलो कवर वगैरह मैंने सारे लगा दिए हैं, और बेडशीट चेंज हो जाती है ना तो रूम में रौनक सी आ जाती है। तो बस इसके बाद चली गई थी बाहर वाले रूम में, और आज मैंने बेडशीट के साथ साथ ये सोफ़े के कवर वगैरह ना सारे धुले हैं, सोफ़े कवर मतलब सिर्फ सीटिंग वाले कवर धुले हैं। और यहाँ पे पता नहीं हन्नू क्या कर रहा था, हंसी आ गई हमें, कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो आप देख रहे होंगे कि सोफ़ा हमारा इधर खिसका हुआ है, क्योंकि सोफ़ा इसलिए खिसकाया था, दीदी ने कहा था कि जाली टूटी हुई है खिड़की की ना, तो जाली चेंज करने वाले आएंगे, तो अभी तक तो आए नहीं थे। हमने सोफ़ा जब मैं झाड़ू लगा रही थी सुबह, झाड़ू पोछा गया था, तो उसी समय हमने खिसका दिया था मंदिर, क्योंकि हमारे बिल्कुल वहीं पर है ना, तो फिर मंदिर वहाँ पर, इसलिए हमने इधर खिसका दिया था क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले आएंगे। अब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर ये कर रही हूँ, तो बच्चे बोल रहे थे हमें भी आपकी हेल्प करनी है, हेल्प करनी है। मैंने कहा तो कर लो, हेल्प करनी है तो कर लो। तो बस ये लोग तह लगा रहे हैं, और मैंने कपड़े तह लगाए हमने, फिर आरव ने ही ये कपड़े समेट दिए थे। तो बस ऐसे ही चल रहा है आज का दिन, आपको पता ही है मैं बोल नहीं रही हूँ, एक तरफ से सामान सही रखो दूसरी तरफ से फैलते, चलो अब तो खैर उतना नहीं फैलाते, बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे, जब छोटे थे तो बड़ी सरदर्दी थी, बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहना पड़ता था इनके साथ ना, अब तो ये है कि फैलाएंगे भी तो इन्हें ही बोल दो कि ये काम यहाँ से ये कर लो, ये समेट दो, तो कर लेते हैं बच्चे। तो हनु ने बोला ये सब कपड़े मैं लगाऊंगा अलग, उसने छांट लिए हैं, और बस तो यहाँ पे कपड़े वगैरह थोड़े ही थे, थोड़े ये थे कि लोअर वगैरह इन्होंने पहन लिए थे क्योंकि अभी पूरे कपड़े तो निकले भी नहीं है, लोअर पहना रही हूँ मैं अब क्योंकि पंखे में ना ठंडा लग रहा है, आज तो पता नहीं अब धूप आ रही हल्की हल्की, तो पता नहीं गर्म होता है क्या होता है बाद में, फिलहाल ये है कि ठंडा ही लग रहा है, तो लोअर पहनाती हूँ क्योंकि पंखे के नीचे ना ठंडा, बिना पंखे के भी नहीं रहा जाता है, पंखा खोलो तो ठंडा लगता है, तो ऐसा मौसम हो रहा है। तो बस ये कपड़े मैंने समेट दिए हैं, और इसके बाद वही है कि बाहर के कपड़े भी वो पहले मैं आ गई थी कढ़ी बनाने क्योंकि कपड़े धुल ही रहे थे, मुझे बनानी है आज कढ़ी, लेकिन पकौड़े नहीं बनाऊंगी आज, सिंपल प्याज डाल दूंगी इसमें बड़े बड़े करके ना, तो फिर ये है कि कढ़ी बन जाएगी, मतलब खाली नहीं रहेगी कढ़ी ना, खाली बोलते खाली कढ़ी खाली नहीं रखनी चाहिए कि, तो बस यहाँ पे प्याज डाल दूंगी बड़े बड़े करके, और फिर ये कि कढ़ी वो रह जाएगी, छौंका भी हो जाएगा और वो लच्छे से प्याज हो जाएंगे ये। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ प्याज वो कढ़ी बनाने के लिए, मैंने कहा कढ़ी छौंक देती हूँ फिर कढ़ी करती रहेगी ना, चावल तो बाद में चढ़ जाएंगे, क्योंकि जब लगे रहो काम में फिर लगे रहो, अगर बैठ गए ना फिर उठा नहीं जाता, और जिस दिन ये रहता है घर पे संडे के दिन, उस दिन तो ज़्यादा ही आलस आता है।
तो बस इसलिए मैंने कहा चलो कढ़ी बना देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कड़ी तो मैंने छोंक दी थी, तो कपड़े डालने लगी थी बाहर, तो ये कपड़े ना सूख गए थे। मैंने कहा चलो इन्हें बिछा देती हूँ, और फिर वो ये बिना कवर के अच्छे भी नहीं लगते, वैसे तो अच्छे लगते हैं, बट वो ये कि हमारा खाना पीना सब बैठना उठना बैठना यहीं पे है। अगर 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 से आपका ड्राइंग रूम है तो वहाँ पे ये कि बिना कवर के अच्छे लगते अच्छे हैं सोफे ना, कलर इसका अच्छा है ग्रे सा, वैसे फोन इतना तो नहीं दिखता है फ़ोन में लेकिन अच्छा लगता है। तो लेकिन ये कि यहाँ पे हमारा उठना बैठना है तो गंदे हो जाएंगे एकदम से अगर हम बिना कवर के रखेंगे। तो मैंने कहा चलो कवर लगा देती हूँ, इनके सूख ही गए हैं, क्योंकि एक सोचो एक बार के कपड़े सूख गए हैं, एक बार के कपड़े छत पे जा रखे हैं, और अब ये तीसरी बार के कपड़े में डालूंगी। और क्योंकि बेडशीट और एक कंबल धुली है तो वो ना छत के ऊपर डली हुई है, मैंने कहा यहाँ पे जगह भी नहीं होगी और फिर ये कि सूख भी जाएंगे। तो बस आज संडे के दिन ऐसी हबड़ तबड़ है, आज हम वहाँ नहीं गए तो फिर आज यहाँ का काम, मतलब फिर वो ये यहाँ का काम बढ़ जाता है। कहीं जाओ ना, गए इसलिए नहीं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम थे, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों को ना, पढ़ते नहीं, चाहे मैं देहरादून जाती चाहे ससुराल जाती तो डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि 2-3 दिन की छुट्टी है, बट वही है डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे चाहे यहाँ पे 1 घंटा ही पढ़े दिन में, बट ये कि पढ़ ही लेते हैं, और 1 घंटा अगर सुबह पढ़ दे 2 घंटे शाम को पढ़ दे काफ़ी हो जाता है, लेकिन वहाँ जाके बिल्कुल पढ़ते हैं बैठते हैं लेकिन वही है कि ध्यान नहीं लगाते ना अपना। तो बस यहाँ पर कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, और अब ये कवर वगैरह लगा के सारा काम मैं अपना यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। तो बस ये था मेरा आज संडे का दिन, बिज़ी रहता है, और 1 बज गए होंगे शायद अभी तक, हाँ 1 बज गए होंगे। तो यहाँ पे बस कवर वगैरह लगा दूँगी और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।